अरे गौरा निशू थे वो किसी ने लड़की वालों को फोन करके कह कि आप क्या कहा कि देखिए मैं अपने सारे क्लाइंट्स का बैकग्राउंड अच्छे से चेक करती हूँ आपका भी चेक किया था पर आप है कि रोज कुछ ना कुछ नया करते तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ मुखी जी ऐसे हैं या वैसे हैं ट्रैफिक सिग्नल की तरह रेड येलो ग्रीन होते रहते हैं सीधी सीधी बात बोल सोचे आप मुझे सच सच बताइएगा क्या क्या गांव में आपका कोई बीवी बच्चा है क्या ये वाला मारी बाईड़ी छे अरे मारे बाहर छे ये कहा किसी ने उन लड़की वालों से हाँ और उन्होंने मान भी लिया हाँ और घर आकर मिलने से भी मना कर दिया अरे वो क्या मना करेंगे हम मना करते हैं उनसे मिलने से और तू क्या हंस रहा है भैला तुम दोनों है ना खुद का और मेरा समय बर्बाद कर रहे मुझे तो समझ नहीं आ रहा उनको फोन किसने किया है क्या हुआ ऐसे क्या हुआ ऐसे क्यों खड़े हो आप लोग देखो ना धर्मी दी किसी ने लड़की वालों को फोन करके ये कह दिया कि भैला का लगन भी हो चुका है और गांव में बच्चा भी है और ऊपर से अरु को भी दो और बातें सुना दी और मिलने से भी मना कर दिया अरु क्यों परेशान हो रही है तू जो कुछ भी हो उसमें तेरी गलती थोड़ी ना है और वैसे भी 3 दिन और है ना तुम लोगों के पास मुखी जी के लिए लड़की ढूंढने के लिए देखिए ना इतनी बड़ी बनी फिरती है और छोटी छोटी बातों पे इतना परेशान हो जाती मैं बात करूंगी उससे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरी छोटी बहन को कोई भी परेशानी हो भैला कितना फर्क है ना इन दोनों बहनों में एक शांत नदी एक तूफानी समंदर ऐसे प्यारे लड़के के साथ क्या अनबन हो सकता है उसके पति का ये शादी के रिश्ते की अनबन ना अलग होती है जब तक अपनी ना हो समझ नहीं आती अरे बात है अब बता बाकी दिन क्या करेगी घूम के आए मुझे कहीं नहीं जाना मेरा मूड खराब हो गया है अरे ढिंगली तुझे ठीक कैसे करना है आता है हलवा खाएगी है? नहीं अरे हलवा तुम लोगों को हलवा बनाने के लिए रसोई नहीं मिलेगी अरे पर क्यों अरे जो यहाँ रहते हैं उन्हें रसोई में आने की मनाही है अरे वाह और वो आपके महान मेहमान शीशी मुखी महाराज आए दिन रसोई में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं उन्हें तो कभी नहीं रोका आपने उनकी बात और है वो बनाते हैं लेकिन वो पूरी धर्मशाला के लोगों के लिए बनाते हैं हाँ तो हम भी सबके लिए बनाएंगे ना आप सबको अपनी बीवी अपनी गर्लफ्रेंड सबको खिला सकते हैं ठीक है माम बे जाइए और बनाइए चल अब बता अचानक से तुझे हलवा खाने की तलब कहाँ से लग गई ऐसे खींच के ले आई जैसे आसमान गिर रहा हो अरु तू परेशान थी ना और खाना बनाना तो तेरा स्ट्रेस बस्टर है खुशी मिलती है ना तुझे और पापा को भी कल से हलवा खाने का बहुत मन था ठीक है आज हलवा बनाऊंगी भी और तुझे सिखाऊंगी भी अरे दी वहां दरवाजे पर रखे क्या कर रही है कुछ नहीं दूर खड़ी रहेगी तो हलवा बनाना कैसे सीखेगी इधर आ ये देख घी में सूजी को तब तक भूनते हैं जब तक ये खुशबू ना आ जाए ये खुशबू बताती है हलवा अच्छा बनने वाला है सूजी घुलने वाली है मुंह में हो गया क्या नहीं अभी तो पानी डाल रही हूँ मुझे मैं करती हूँ
अरे मुझे ड्राई फ्रूट्स भी डालने हैं। सब कुछ तू करेगी तो मुझे सिखाने का क्या फायदा, और वैसे भी तुझे अभी देर नहीं हो रही क्या? हाँ देर तो हो रही है, काम तो काफी बाकी है। ठीक है तू ड्राई फ्रूट्स डाल देना और अच्छे से हिलाना ताकि नीचे चिपक ना जाए। हाँ हाँ मैं कर दूंगी, तू जा। ये क्या बना रहे हो? सूजी का हलवा। वो अरु भी परेशान हो रही थी, मुझे लगा माहौल कुछ अजीब सा हो गया है तो सोचा हलवा बना के सबका मूड अच्छा कर दूं। जरा चख के बताओ कैसा बना है। कैसा है? स्वादिष्ट है। सूजी तो मुंह में घुल गई। अब वो क्या है ना कि सूजी को घी में तब तक भूनते हैं जब तक एक अलग सी खुशबू ना आए, और उस खुशबू से पता चलता है कि हलवा अच्छा बनने वाला है। लाख तक यदि हुआ। लगता है हर काम बारीकी से और ध्यान से करते हो आप। और एक वो आपकी छोटी बहन, चार नाव में सवार, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती। अरु भी अच्छा खाना बनाती होगी ना? वो तो कढ़ाई में एक साथ दाल चावल सब्जी डालती होगी वक्त बचाने के लिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे ज्यादा काम करने नहीं देती, बाहर का सारा काम बहुत संभालती है ना, तो रसोई का मैं देख लेती। अरे भैया तेरी दवाई तो मैं कमरे में ही भूल गई, वो रात को खाने वाली, रुक मैं अभी लेके आती हूँ, ये ले। अब मिश्री मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है चल। किस्मत की दवाई लेते हैं मुक्की जी? पूरा गांव संभालता है वो, ब्लड प्रेशर बढ़ा रखा है उसने खुद का, और भैला है ना अक्सर दवाई लेना भूल जाता है। मैं सोचती हूँ जिस दिन मेरा लगन हो जाएगा मैं चली जाऊंगी तो कौन उसको दवाई देगा, कौन उसका ख्याल रखेगा, कुछ समझ नहीं आता। मिश्री भगवान ने ना हम सबको जोड़ियों में बनाया है, मुखी जी के लिए भी कहीं ना कहीं कोई लड़की जरूर होगी, एक ना एक दिन वो लड़की जरूर तुम्हारे और तुम्हारे भैला के सामने आ जाएगी। कुछ बातें ना भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। मिश्री गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज अकेले अकेले ब्रश, तेरे वो दातुन प्रमोटर भैला कहीं नजर नहीं आ रहा। भैला तो शहर को गया है, कल रात ना धर्मदी ने अपने हाथ से हलवा बनाया था, वो उसको इतना पसंद आ गया कि वो उसने 3 कटोरी खा ली। फिर तो सैर करनी पड़ेगी ना। अरु तू परेशान थी ना, और खाना बनाना तो तेरा स्ट्रेस बस्टर है, और पापा को भी कल से हलवा खाने का बहुत मन था। अरु क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कल रात ना भैला मेरे लिए हलवा बनाने ही वाला था कि धर्मेंद्र ने उससे पहले ही बना दिया। बड़ी अच्छी बहन है तेरी। हाँ मेरी दी तो बहुत अच्छी है। चलो मैं चलती हूँ। अरु मैं जानती हूँ कि तू अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बताती, शायद इसीलिए धर्मशाला में रुकने का भी तूने छुपाया, पर कोई बात हो ना तो तू मुझे बता सकती है। भैला बता रहा था कि धर्मी दीक के पति ने उसको एक अमीर लड़की के लिए छोड़ दिया। बड़ा ही घटिया आदमी है वो, जो उसने स्वीट सी लड़की को छोड़ दिया उसने। मिश्री जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं ना तो
ना चाहते हुए भी टूट ही जाते हैं। पर मैंने दीदी से कह दिया है कि वो बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरा काम आगे बढ़ेगा ना तो उन्हें भी इन्वॉल्व कर लूंगी और बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी उसके लिए। मुझे पूरा यकीन है कोई बहुत अच्छा लड़का मिलेगा उसके लिए। हाँ हाँ मलसेज, तू चिंता ना कर, चल मैं चलती हूँ। मिश्री, हाँ मुखी जी को दी के बारे में ये सब किसने बताया? पापा ने? नहीं, भैला कह रहा था कि धर्मी दी ने भैला को खुद ही बताया। ओके बाय बाय। हाँ बोलो। तू तो कह रही थी कि कल और चोरी होगी, पर खबर ये मिली है कि कल रात गांव में कोई चोरी नहीं हुई। पता है ने, जिस अक्कल ने और दोनों काम दिया था उसका फोन आया था, वो कह रहा था रात को काम हुआ ही नहीं। पता करती हूँ क्या हुआ है। सुचे? अरे नेटवर्क इसी कोने पे आता है ना, हट तो मुझे फोन कर रहा है। मुखी तेरी तरकीब काम कर गई। तूने रात को कहा था ना कि चार दिशा में, हाँ हाँ मैंने सारी जगह आदमी तैनात कर दिए थे और अभी अभी पता चला है कि रात को एक भी चोरी नहीं हुई। और तने खबर छे सारे गांव वाले क्या बोल रहे हैं? कि हमारा मुखी अगर सात समंदर पार भी रहे ना तो भी हम भोली गांव की रक्षा कर सके। जल्दी आ जा। बस ये ध्यान रहे कि गांव में और कोई चोरी ना हो। हा? अरे बिल्कुल ना, मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने गांव में इतनी सुख शांति रहे कि लोग अपने दरवाजा खुला रख के सोए। चल जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये ले भैला ना ले। हाँ, अभी तो कसरत बाकी। इंगली तो जानती है अपने गांव में कल रात को कोई चोरी नहीं हुई। चल इस बहाने तेरे चेहरे पे मुस्कान तो आई। सैर करने को गया था तब भी गाँव के बारे में ही सोच रहा था ना। तो फोन के इंतजार में तूने 8:30 बजा दिए, कब तक कसरत करेगा? चल अब जल्दी ना ले, ये ले चल। अरे चल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेटा धर्मी को देखा है कहीं? धर्मी दी मैं आऊं मम्मी। धर्मी, वो तुम्हारे चाचा का फोन आया था और वो बहू के परिवार वाले हमारे बारे में पूछताछ कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना चाचा को जाकर मिलकर आ जाते। हाँ, जरूर चाहिए, रिश्ते तो बने रहने चाहिए ना। कोई बात नहीं मुंह खोली। काकी काले पाकू आपी दईस। माधवी ये सब क्या हो रहा है? पेस्ट कंट्रोल का नोटिस आया था क्या? नहीं यार, ये हमारे बॉस का नया कांड है। पता है कल बिना बात के मुझे इतना डांटा, तो मैंने भी मजा चखाने के लिए वो रबर वाला छिपकली जाके उसके डेस्क पे रख दिया। डफर इतना डर गया कि पूरे ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल करवाने का ऑर्डर दे डाला। अच्छा हुआ ना घर में बैठ के मस्त आईपीएल का मैच देखेंगे। क्या यार, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया ना, मुखी जी के लिए लड़कियां लाइन अप करनी है।
अरे हाँ वो तेरा क्लाइंट, एक नंबर सिरदर्द। अच्छा सुनो, मैडम को एक हार्ड ड्राइव लाके दे दो। ले मैडम। अरु तू अपना सारा डेटा अपने हार्ड ड्राइव में कॉपी कर ले और घर जाके आराम से बैठ के काम कर। आप सब यही करने वाले हैं। नहीं लैपटॉप नहीं है मेरे पास, हार्ड ड्राइव लेके साइबर कैफे जाना पड़ेगा। ठीक है तो दो दिन वेट कर क्योंकि ऑफिस तो कल भी बंद ही रहने वाला है। नहीं यार इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुखी जी के पास भी दो ही दिन बचे हैं। तो फिर यूज करना हार्ड ड्राइव। ठीक है हार्ड ड्राइव दे दो। हार्ड ड्राइव लाना। ये ले जाना। यहाँ डिटेल ले लीजिए। ये हाँ माधवी प्लीज डेटा कॉपी कर दे इसमें। हेलो सुदर्शन मामा। अरे भाई आप तो 5,000 रुपए देकर फ्लैट बुक करके हमको भूल ही गई हो। नहीं नहीं मामा मेरा असाइनमेंट होने ही वाला है, होते ही आपको एडवांस दे दूंगी, होम लोन भी अप्रूव हो ही गया है। अगर आपने जल्दी से पेमेंट नहीं किया ना तो फिर मजबूरन मुझे ये फ्लैट किसी और को देना पड़ेगा। हो आप ऐसे कैसे दे सकते, मैंने आपके पास 5,000 रुपए डिपॉजिट करवाया है ना। अरे भाई पूरी अमाउंट तो 50,000 रुपए छे ने, 5,000 रुपए तो सिर्फ बयाना छे। मैं 45 जमा करवा दूंगी, आप मुझे बस और 3 दिन दीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, जय श्री कृष्णा। ठीक है हो गया। हाँ हो गया, सारा डेटा कॉपी हो गया। ठीक है गौतम मेरे ऑफिस के पास जो साइबर कैफे है वहाँ पे जल्दी है, अर्जेंट है। संभाल के रखना, अली बाबा का खजाना है इसमें, पूरी एजेंसी का डेटा, 2,500 कॉन्टैक्ट्स हैं इसमें। बेला इनके पापा का नंबर तेरे पास है ना, जल्दी फोन कर। हाँ। नहीं पापा को फोन मत कीजिए प्लीज, उनकी तबीयत खराब रहती है, वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है ठीक है आराम कर तुम। अरे मन ये लो। ये अचानक क्या हुआ आपको? व्रत रखा है ना, शायद इस वजह से थोड़ी कमजोरी हो गई बस। ए, सांभर, भूखे भजन न होए गोपाला, अपने भक्त को कमजोर देख के भगवान भी खुश नहीं होते। ये व्रत किस लिए रखा आपने? ताना। शु? ताना। धर्मी दी रिक्शा बुला देखा। ये किसका नंबर होगा? ए, तारा कौन से? क्या हुआ अरु, अर्जुन बोल के डरा दिया तूने? आसमान गिरा था या धरती फटने वाली थी? जैसे दुपट्टा का ऑर्डर दिया उससे मेरी बात करवाओगी? क्यों? क्योंकि मुझे उससे एडवांस मांगना है। फ्लैट का ब्रोकर कब से बुकिंग अमाउंट मांग रहा है, मैं कब से डाले जा रही हूँ, मुझे देना तो पड़ेगा ना। देख तुझे पता है हम लोग धर्मशाला में रुके, फ्लैट रेडी है, लोन की बात हो चुकी है, जब तक पैसे नहीं दूंगी काम आगे नहीं बढ़ेगा, फ्लैट की चाबी नहीं मिलेगी, पैसे तो चाहिए अभी। कुछ बोलेगा या घूरता रहेगा, बात करवाएगा अभी? नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि एडवांस मांगा था मैंने पर उसने मना कर दिया। वो एडवांस क्यों नहीं दे रहा है? एडवांस सब देते हैं। हाँ पर उसने ऑर्डर डबल कर दिया, वो अभी थोड़ा कुछ कैश का प्रॉब्लम चल रहा है पर डिलीवरी के वक्त 100% पेमेंट कर देगा, हाथों हाथ, कुछ बाकी नहीं रखेगा। 100% मतलब? मतलब 2,00,000, 2-4 दिन रुक जा, इतना एडवांस भर पाएगी कि लोन का अमाउंट भी कम हो जाएगा। बड़ी बिजनेस लीग में आ जाएगी तू, सोच अगले प्रोजेक्ट के लिए तेरे पास कितना कैश इन हैंड होगा। अरे एक साल में इतना मुनाफा कमा लेगी तू कि मम्मी पापा को लेके स्विट्जरलैंड जा सकती है। स्नोफॉल में खेलना, स्नोफॉल के मजे लेना। और नहीं तो क्या, मैगजीन में तेरा स्टोरी भी आएगा, एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर। वो एंटरप्रेनर होता है। हाँ वही, पर उसके लिए थोड़ा और इन्वेस्ट करना होगा।
यार गौतम, मैं और पैसे कहाँ से लाऊंगी? कहीं से तो लाने पड़ेंगे यार। मैं ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट कर चुका हूँ ताकि तुझ पर बर्डन थोड़ा कम हो जाए, लेकिन और पैसे तो चाहिए। भैला, इसके मम्मी पापा को भले तू ना बोल, पर अरु को तो बोलना पड़ेगा। अरु का फोन नहीं लग रहा। हेलो तारा, कौन बोल रहा है? धर्मिष्ठा बेहोश हो गई, और बेहोश होते हुए उन्होंने आपका नाम लिया था तो मैंने। है कहां पर धर्मिष्ठा? अरे अरु, खासे कॉन्टेक्ट है तेरे इस ड्राइव में। 2500 है, पूरी एजेंसी खुल सकती है। हाँ मिश्री बोल। क्या For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.